शुक्रवार की सुबह नगर निगम की टीम कुरट्टी से आगे जे लोट पर पहुंची और आवंटित खोखों पर लाल निशान लगाने शुरू कर दिए। दुकानदारों ने जब पूछा तो लाल निशान लगाने वाले नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी के क्षेत्र का विकास होना है, इसलिए इन खोखों को हटाया जाएगा। शाम तक अपना सामान निकाल लें। कल शनिवार को नगर निगम की टीम आएगी और सभी को जेसीबी से हटा दिया जाएगा। यह सुनते ही खोखो वालों के चेहरे पर बल पड़ गए और उन्होंने खोखे बंद कर दिए और एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाय हाय के नारे लगाए। इतना ही नहीं, महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त के साथ ही प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। कुछ देर नारेबाजी के बाद भी सभी खोखे वाले एकत्रित होकर नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त से मिलने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद अपर नगर आयुक्त और एडीएम प्रशासन पहुंचे और बातचीत की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के विकास की बात कहते हुए कहा कि ये खोखे नाले पर हैं और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार स्मार्ट सिटी के लिए इन्हें हटाया जा रहा है। इन लोगों को एक माह पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं और ये बात सुनते ही खोखे वाले गुस्सा गए। उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज ही लाल निशान लगाए गए हैं, इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। लंबी नोकझोंक और बहस के बाद अपर नगर आयुक्त ने कार्यवाही से पहले बातचीत का आश्वासन दिया, लेकिन दुकानदार इसके लिए तैयार नहीं थे। फिलहाल खोखे वालों से बातचीत करने के बाद अपर नगर आयुक्त ने पत्रकारों से भी उपरोक्त ही बात दोहराई और कहा, अब कल यानी कि शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा, उच्च अधिकारियों से विचार और वार्ता के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। संजय कुमार नाम है। जी, आप कहाँ से आए? जेल रोड से आए। क्या करते हैं आप लोग? दुकान है साहब। क्या मामला क्या है? ये करीब एक घंटा पहले नगर निगम वाले आए थे, सारी दुकानों पर निशान लगा गए और उनके पीछे जो किराए लेने आते हैं वो कह गए सारा सामान निकाल लो, फिर कल को मौका नहीं मिलेगा। शाम तक सामान हटा लो सारा। हटा लो। आप बताइए, कुछ टाइम दिया जावे? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया। ये दुकानें आपके पास से अलर्ट हुई है? ये लगभग कितनी दुकानें हैं? 70 दुकानें। तो आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? ये धंधा रोटी हमारी रोजी रोटी है। आप कहाँ से आए? जेल रोड। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे रोजी रोटी को हटाया जा रहा है। किसके द्वारा हटाया जा रहा है? नगर आयुक्त। नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा। अभी कौन आया था आपके पास? नगर निगम के कर्मचारी। कर्मचारी क्या कहा आपने? ये दुकान पे निशान लगा के गए। क्या कहा आपने? यही कहा कि अभी एक घंटे के अंदर अपने शाम तक सामान हटा लो और नहीं तो सुबह का मौका नहीं मिलेगा, बुलडोजर से ही सामान हटा दिया जाएगा। ये दुकानें आपको अलर्ट हुई? अलर्टमेंट सन 62। कुल कितनी दुकानें होंगी? 70 करीब। ये रोड पर जी। तो आप क्या चाहते हैं? आप सब अलर्टेड हैं, हमारे रोजगार न छीना जाए। आप हम यही चाह रहे हैं कि हमारे रोजगार से क्यों हटाया जाए? अभी इतने सालों से बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? बच्चों का लेके जा रहे हैं ना, समय बता रहे हो। अभी किससे मिलो आप? अब तो अपन लोग रितेश गुप्ता जी के पास जा रहे हैं साहब मिलने के लिए। ये प्राइम निगम के द्वारा जो जैन मंदिर पे लगभग 80 के करीब खोखे यहाँ पे रखे हुए हैं और ये खोखे लगभग 30-40 साल पुराने खोखे यहाँ पे 50 साल पुराने खोखे हैं, जिससे 80 परिवारों की आजीविका चल रही है। उन खोखों को हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी अजीत सिंह, जो अपर नगर आयुक्त हैं, वो आए। उन्होंने यहाँ पे आके व्यापारियों को धमकाया, उनको आज शाम को ही खोखे खाली करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि खोखे खाली नहीं किए जाएंगे तो वो बुलडोजर चलाएंगे। मैं पहली बार नगर निगम के अधिकारियों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि खोखों को अगर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया तो उसका अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बुलडोजर अपराधियों के लिए बनाए, ना कि गरीब जनता के लिए, ना और व्यापारियों के लिए। सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो हाल 2024 में हुआ वो भी ऐसे अधिकारियों की वजह से ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन व्यापारियों ने, मुरादाबाद की जनता ने 14 में बनाया, 17 में बनाया, 19 में बनाया, 22 में बनाया, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी सरकार बनी है। जो भी कार्रवाई होगी खाली हिंदुओं पर ही होगी, हिंदू मोहल्लों पर होगी, हिंदू व्यापारियों पर होगी। एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक इनका निर्णय नहीं हुआ था मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद रहूंगा और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जिंदाबाद।
व्यापारियों की कई तरह की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से मिलने गए थे, उनसे बातचीत नगर निगम के अधिकारियों का रवैया जैसे कि बताया गया बहुत खराब था। मैं नगर निगम के अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपना रवैया वो ठीक कर लें। वो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के राजा नहीं हैं। वो पब्लिक की समस्याओं को दूर करने के लिए उनको बैठाया गया है। जो राजा वाला है वो लोग एहसास करते हैं और जनता को जो है का शोषण करते हैं उसको बंद कर दें। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी सर्वेंट हैं, तो उनका बिहेवियर उस हिसाब से होना चाहिए। अपना उनको जो भी विषय रखना है शालीनता के साथ रखें, ना कि तानाशाही के साथ रखें। उन लोग मैं चेतावनी देना चाहता हूँ।